बोकारो के हल्ला थाना क्षेत्र के चौफान बस्ती का यह पुल काफी जर्जर अवस्था में है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा इस पुल पर कम वजन के परिचालन की हिदायत भी दी गई है, लेकिन इसके बाद भी ओवरलोडेड हाईवा का परिचालन जोरों से जारी है, जिसका विरोध अब ग्रामीण भी करने लगे हैं। बता दें कि करीब 1500 की आबादी इस पुल के जरिए शहरी इलाकों में आते जाते हैं और रोजमर्रा के काम करके वापस अपने गाँव लौट जाते हैं। वहीं छात्र छात्राएं भी इसी पुल का प्रयोग करते हैं। बता दें कि इस पुल को लाल पानी का पुल भी कहा जाता है। पुल में कई जगह दरारें पड़ गई हैं, साथ ही सरिया और छड़ भी बाहर निकल आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने भी इस पर कम भार के परिचालन की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बाद भी इस पुल से 30 से 40 टन का लोड लेकर आए दिन हाईवा गुजर रही है। वहीं ग्रामीणों की माने तो ज्यादा भार लेकर पुल से गुजरने पर पुल कभी भी टूट सकता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हाईवा के गुजरने पर रोक लगाने की मांग की है। ये गांव हमारा गांव जो है, गांव में रोड गया है, बोकारो से आया है रोड, हम लोग जाने आने का असुविधा हो रहा है। मैंने ये डम्फर जो चल रहा है हाईवा गाड़ी, गिट्टी लेके जो ओवरलोड लेके जाता है, तो पुल हम लोग को टूटने वाला है। और कई गांव हमारा यहाँ से टुपकाड़ी तक मैंने जाने वाला रोड है, और ये पुल टूट जाने से हम लोग को बोकारो जाने में मैंने रास्ता बंद हो जाएगा। ये हम लोग का पुल बहुत बहुत पहले बना हुआ था, है ना, अभी देख ही रहे हैं ये पुल पूरा जर्जर हो चुका है। और अगर यदि पुल किसी तरह यदि ध्वस्त हो जाता है तो हम लोग को, फिर हम लोग को बहुत सारा गांव है यहाँ से, पचोरा जाइए, कनारी जाइए, मधुरी जाइए, मैंने कहीं भी जाइए इधर आसपास टुपकाडी तक, ये रोड हर गांव को जुड़ा हुआ है। और यदि बन जाएगा तो हम लोग को सारा चीज़ बनाने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। और उस तरह रास्ता तो कहीं है नहीं, ये भी यदि रोड थोड़ा बहुत कभी पहले बना हुआ था तो अभी पूरा दिखे रहे हैं, पूरा गाढ़ा उढ़ा हो गया है पूरा। वहीं बोकारो परिवहन विभाग के अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत दे दी गई है कि ओवरलोड लेकर इस पुल से ना गुजरे। कोई भी गाड़ियां हैं, जो भी मालवाहक वाहन है, सबका अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है और उस कैपेसिटी के हिसाब से माल लोड करना है। और अगर वो कैपेसिटी से ज्यादा माल लोड कर रहे हैं और जाके पाए जाएंगे, एमबीएफ के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक पुल जर्जर होने की बात है, ये टेक्निकल चीज है कि वो जांच का चीज है, तो अनुरोध है कि आपके माध्यम से जो ग्रामीण है, जो आरईओ या पीडब्ल्यूडी का रोड है, तो उसके संबंधित विभाग को आवेदन देकर और एक जांच करवा लें। अगर गाड़ियों के चलने के लिए वो अनफिट है तो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।